वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द ऑफिशियल मॉक टेस्ट अपलोडेड बाय एन फॉर सी 2020 सब्जेक्ट होम साइंस इसके दो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद मैंने इन्हें अपलोड करना दोबारा से स्टार्ट किया है अगर आपकी प्रिपरेशन में ज़रा सी भी हेल्प हो रही है तो एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो आपका बनता ही है तो चलिए चल अगर अच्छा लगे और आपको लगे आपके लिए यूज़फुल है तो उससे सब्सक्राइब जरूर करना किसी की भी इससे हेल्प हो सके कोई और जना भी प्रिपेयर कर रहा हो तो उसके साथ शेयर भी जरूर करना चलिए चल टाइम वेस्ट नहीं करते और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कहाँ तक करा था मैंने आपके साथ लास्ट में मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है आई थिंक हमने ट्वेंटी क्वेश्चन तक कर लिया था आज हम थर्ड पार्ट में ट्वेंटी क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे ट्वेंटी से थर्टी क्वेश्चन हाँ देखो 20th से कर रहा था तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं अब ब्रीफ इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग वीडियोस नहीं बनाऊंगी दोनों को मैं साथ साथ चला रही हूँ आपको समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी अब ब्रीफ टेन टू सिक्सटी सेकेंड मैसेज बिटवीन प्रोग्राम्स जनरली इन फॉर्म्स ऑफ जिंगल्स इज कॉल्ड मतलब हमने ये पहले भी पढ़ा था रेडियो पर जो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स आते हैं ना जिंगल्स की तरह से जो आपको हमेशा याद रह जाएँ फटाफट -फड़, जैसे दो बूंद जिंदगी की आ रहा हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब तो रोज़ ही कुछ ना कुछ आ रहा है वोट देने जाओ जो भी कुछ आता है अगर आपको इसे याद रह जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट पीपल सर्विस अनाउंसमेंट पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट पब्लिक से पीपल सिलेक्शन अनाउंसमेंट या फिर पब्लिक सिलेक्शन अनाउंसमेंट इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है ये है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट छोटे छोटे से जो जिंगल्स होते हैं जो आपको बार बार सुन के याद हो जाते हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा टू है तो हमारा ऑप्शन होगा बी पी पे क्लिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब सेवा रंस प्रोग्राम्स विच डेवलप वेमेंस एबिलिटी इन द यूज़ ऑफ सेवा सेवा का फुल फॉर्म अगर आता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी लेकिन ये वीमेन एबिलिटी किस फील्ड में करते हैं कंप्यूटर और मोबाइल रेडियो एंड टेलीविजन कार एंड स्कूटर्स नहीं कार एंड स्कूटर्स तो नहीं लग रहा है रेडियो एंड टेलीविजन भी सही है और कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स मेन है इसमें कंप्यूटर एंड मोबाइल लेकिन बोथ वन एंड टू भी हो सकता है एक बार मार्किंग स्कीम को जरूर देख लेना क्योंकि रेडियो एंड टेलीविजन पे मेन तो नहीं है मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि वन होना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू मी हम इसे ए मार्क करेंगे लेकिन अपनी सी की जो एनसीआर की बुक है एक बार उसको भी जरूर देख लेना अब हम आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केस स्टडी पे आएंगे कोशिश करना कि इनको ज़रूर से अटैम्प्ट कर लो आपके दस क्वेश्चन तो पक्के ही हैं ये भी ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन सिर्फ ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन की तरह नहीं है कि एक पैराग्राफ दिया और उसी में से छाट दें इसमें आपकी जो नॉलेज है वो भी जज की जाएगी तो एक बार हम पैराग्राफ देख लेते हैं आर आर ई आर आर ई क्या है रेड रिबन एक्सप्रेस Red Ribbon Express was a nationwide communication campaign for generating awareness about HIV AIDS. A specially designed train traversed 9,000 kilometers a year, covering 180 districts, half stations, and health programs and activities in 43,200 villages. It comprised of seven coaches equipped with educational material, primarily on HIV AIDS, interactive touchscreens, and 3D models, services in context of HIV, TB, co infection. एंड एल सी डी प्रोजेक्ट एंड प्लेटफॉर्म फॉर फोक परफॉर्मेंसेज काउंसिलिंग टू डॉक्टर फॉर प्रोवाइडिंग काउंसिलिंग एंड ट्रीटमेंट मोरललेस आपकी बुक में से उतारा गया अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एम ऑफ रेड रिबिन एक्सप्रेस वॉज नॉट टू इनहस पीपल नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स हेल्दी लाइफ स्टाइल्स हेल्दी हैबिट्स ये तो है ही बताया ही है उन्होंने कलेक्ट फंड पीपल्सिंग फ्रॉम एड्स ऐसे फंड रिबन एक्सप्रेस ने कलेक्ट नहीं किए थे ठीक है तो ये भी नहीं होना चाहिए लेकिन आगे देखते हैं डेवलप एंड डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड नहीं एंड नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज रिड्यूस स्टिग्मा अगेंस्ट पीपल विद एड्स ये तो है है ही स्प्रेड स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइमरी प्रोडक्शन ये भी नहीं है अब यहाँ पर देखो स्प्रेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइमरी प्रोडक्शन ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए लेकिन एक बार मैंने जब बुक चेक करी एक बच्चे के कहने पर तो मुझे यहाँ पर लगा ये प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं है ये है प्राइमरी प्रोटेक्शन तो यहाँ पर अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन है और इसके आगे लिखा हुआ है कि ये प्राइमरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एड्स या फिर अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस है तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाता है ठीक है तो अगर आपको ये प्रोडक्शन मिलता है तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा टू वैसे तो कलेक्ट फंड्स नहीं किए थे लेकिन अगर प्राइमरी प्रोडक्शन अगेंस्ट एड्स मिलता है आपको तो फिर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टू तो टू को क्लिक करो और आगे चलो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रेड रिबन एक्सप्रेस इज ये तो बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन है नाइन थाउजेंड किलोमीटर्स आर आर ई प्रोजेक्ट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय नाको इसने तो किया ही किया था एन वाई के एस इसने भी किया था यूनिसेफ इसने भी किया था यूनेस्को ने नहीं किया था लेकिन क्या आप मुझे इनके फुल फॉर्म्स बता सकते हो नाको का क्या है ये तो आपका एक और लेसन में भी है पता है कौन सा वाला नेहरू युवा केंद्र किस में था जो गवर्नमेंट स्कीम्स है इसीलिए मैं कह रही हूँ जाओ पहले लेसन को पढ़ो वीडियोज़ पढ़ो इनके फुल फॉर्म्स जिस जिस के भी आते हो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या होगा

और ये रोटेशनल मतलब उल्टे लेवल से स्टार्ट हुई थी कन्याकुमारी से ठीक है तो हमने यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन करा है जो कि है कन्याकुमारी तो आप ऑप्शन टू नहीं लिखेंगे ऑप्शन बी लिखेंगे और बी लिख के हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर चलेंगे हमारा जो के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है ठीक है अब आता है मैचिंग मैच Match वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे पैटर्न भी सेम रहे नंबर ये रहे ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो हम यहाँ पर हमें मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू करनी है रेडियो रेडियो को किससे कंपेयर करें रेडियो कैंपेन टेलीविजन टीवी मीडिया क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस मींस ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ऑडियो विजुअल दिया हुआ है तो ये टीवी हो गया ना ऑडियो भी है और विजुअल भी है पावर ऑफ प्रेस प्रेस है तो ये क्या हो गया प्रिंट मीडिया मोस्ट एक्सेसिबल मास मीडिया सबसे ज़्यादा लोगों तक सबसे सस्ता है कैसे पहुँचाया जा सकता है रेडियो से और कैंपेन क्या होता है कैंपेन का मतलब ही है ये क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैलाना तो ये ऑप्शन क्या हमें मिल रहे हैं ए का फोर ए का फोर सिर्फ एक ही में दिया हुआ है और वो है ऑप्शन ए पर पर जरूर लेना सारे ऑप्शन कई बार सिर्फ एक ऑप्शन गलत हो जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है बी का वन सी का टू हाँ ये सही है तो यहाँ पर ए को क्लिक करो और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे चलो ये भी मैच है मैच किसको करना है सारी रेड रुबिन एक्सप्रेस ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं प्रोजेक्ट और कैंपेन कैंपेन भी हमने अभी अभी करा है इसमें छतेरा छतेरा क्या था याद है आपको छतेरा क्या था कैंपेन था क्या या प्रोजेक्ट था बोलो क्या था जागो ग्राहक जागो क्या है मेरे ख्याल से तो ये कैंपेन है एक बार सोच लो रेड रुबिन एक्सप्रेस क्या है अभी मैंने बताया यहाँ से शुरू हुई थी तो कन्याकुमारी क्या हमें यहाँ पर ये कहीं पर भी मिल रहा है डी का टू देखो डी का टू सिर्फ एक ही में है चेक कर लेते हैं आ, बी का थ्री ये भी सही लग रहा है तो मुझे लगता है यही सही है ए का फोर सारी बिल्कुल ये तमिलनाडु में है और छतेरा जो था एक प्रोजेक्ट ही था तो यहाँ पर हमारा और, कौन सा सही है थ्री तो हम सी पे क्लिक करेंगे और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी पर डिसएडवाटेज ऑफ डायरेक्ट मेल इंक्लूड ये एचआर वाले लेसन में से जिसके वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं हाँ मेरा वीडियो नहीं बन पाया है तो प्लीज़ इस लेसन को जाओ और एक बार रीड ज़रूर कर लेना इससे पहले कि ये लेसन आपका रह जाए तो डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेल इंक्लूड जंक मेल परसेप्शन ओफ आंसर दिया हुआ है जंक मेल परसेप्शन हाई कॉस्ट और लॉन्ग लीड टाइम ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट मेल से रिलेटेड है और अगर आप डायरेक्ट मेल आती है कितने लोग हैं जो से ज़्यादा पढ़ते हैं बार बार करो तो कोई आंसर आता है लोग सोचते हैं कि ये जंक मेल है वैसे महंगा नहीं होता लेकिन हमें क्योंकि बार बार भेजना पड़ता है इसलिए हम इसे महंगा मान लेते हैं तो ये इसका डिसएडवांटेज है ये सारे ऑल ऑफ दीज तो मेरे अकॉर्डिंग फोर है लेकिन आंसर की को ज़रूर चेक कर लेना कई बार उसमें आंसर्स डिफरेंट आते हैं तो अब ये हमारे थर्टी भी होते हैं ये मेरा थर्ड सेक्शन जो है वो भी कम्प्लीट हो रहा है थर्ड पार्ट फिर से बेस्ट ऑफ लक अपना टारगेट याद है क्या है टारगेट बताइए हमारा टारगेट एज यूजुअल है फोर्टी ऑन फोर्टी फुल मार्क्स आपने स्कोर करने एक भी नेगेटिव नहीं और फुल कॉन्फिडेंस है आ, अच्छा लगाओ तो एक लाइक like जरूर बनता है एक थम्स अप दे देना और सबसे ज़रूरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो पर्पज़ ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि इसके फोर्थ पार्ट भी आप तक पहुँच जाए और जो भी आपको मुझे कहना है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर फटाफट से बता दो ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट टिल देन